फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां से मेकर्स ने ये पोस्ट डालते हुए बताया है कि बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और आप इस पोस्ट में देख सकते हैं कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ मड बाथ यानी कि छोटी गंगा से नहा के बाहर निकले हैं। आपको बता दें बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग पहले ही ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी पर इसके 3 गाने शूट होना बाकी थे जिसे मेकर्स ने पिछले कुछ दिनों में जॉर्डन में शूट कर लिया है और अब मेकर्स इसके पोस्ट प्रोडक्शन पर काम स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टर अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसमें हम अक्षय कुमार के साथ टाइगर श्रॉफ, सोनाक्षी सिन्हा, मानुषी छिल्लर और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे और अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की ये फिल्म हमें ईद 2024 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो बड़े मियां छोटे मियां के टीजर को ऑडियंस ने काफी पसंद किया है तो देखना होगा कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की ये फिल्म कैसी होती है। दिमाग से शैतान है हम, बच के रहना हमसे, हिंदुस्तान है हम। और वहीं जब डायरेक्टर प्रियदर्शन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या अक्षय कुमार के साथ आने वाली उनकी फिल्म एक रिमेक फिल्म होने वाली है तो इस पर डायरेक्टर प्रियदर्शन ने कहा कि अक्षय कुमार के साथ आने वाली उनकी फिल्म कोई भी रिमेक फिल्म नहीं है बल्कि ये उनकी खुद की कहानी नहीं है और इस फिल्म की कहानी को उन्हें एकता कपूर ने दिया है जो कि एक हॉरर कॉमेडी फैंटेसी फिल्म होने वाली है। और डायरेक्टर प्रियदर्शन और अक्षय कुमार इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2024 से स्टार्ट कर देंगे। आपको बता दें डायरेक्टर प्रियदर्शन ने ही अक्षय कुमार की फिल्म हेरा फेरी, भागम भाग, दे दनादन, गरम मसाला, खट्टा मिट्टा और भूल भुलैया जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। तो डायरेक्टर प्रियदर्शन और अक्षय कुमार ने साथ में लगभग 6 फिल्मों में काम किया है और ये उनकी 7वीं फिल्म होने वाली है जो कि हमें 2025 तक देखने को मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर प्रियदर्शन और अक्षय कुमार के इस कॉम्बिनेशन के बारे में। और वहीं शाहरुख खान और सुहाना खान की आने वाली फिल्म जिसका वर्किंग टाइटल द किंग बताया जा रहा था, इस फिल्म को मेकर्स ने एक अनिश्चित समय के लिए होल्ड पर रख दिया है और इसका कारण बताया जा रहा है कि शाहरुख खान नहीं चाहते उनकी बेटी अपनी पहली फिल्म शाहरुख खान के साथ करे बल्कि वो चाहते हैं कि सुहाना खान अपनी फिल्म अपने दम पर करे। आपको बता दें शाहरुख खान की ये फिल्म एक स्पाई एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली थी जिसकी कहानी काबुली वाला फेबल के ऊपर होने वाली थी और वहीं इस फिल्म को डायरेक्टर सुजय घोष डायरेक्ट करने वाले थे। तो अब इस फिल्म को शाहरुख खान के कहने पर एक अनिश्चित समय के लिए होल्ड में रख दिया गया है। और वहीं बात करें शाहरुख खान की अगली फिल्म की तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि शाहरुख खान की अगली फिल्म फैमिली मैन और फर्जी जैसी सीरीज को डायरेक्ट कर चुके डायरेक्टर राज एंड डीके के साथ होने वाली है। राज एंड डीके के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म एक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म होने वाली है जिसमें हमें शाहरुख खान एक ग्रे सेट के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। और वहीं कहा जा रहा है कि इस फिल्म में हमें कई बड़े बड़े एक्शन सीन देखने को मिलेंगे जिसके लिए मेकर्स इंटरनेशनल एक्शन डायरेक्टर से बात करने वाले हैं। अभी तक राज एंड डीके और शाहरुख खान की इस फिल्म को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है तो देखना होगा कि शाहरुख खान की अगली फिल्म कौन सी होती है। वैसे आप शाहरुख खान का कौन से डायरेक्टर के साथ कॉम्बिनेशन देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट में बताएं। कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड फिल्म चंदू चैंपियन की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, इस फिल्म के मेकर्स ने एक वीडियो को रिलीज करते हुए बताया है कि चंदू चैंपियन की शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि डायरेक्टर कबीर खान कार्तिक आर्यन को मीठा खिला रहे हैं। तो आपको बता दें चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने लगभग 1 साल से मीठा नहीं खाया था तो इसी कारण से इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टर कबीर खान ने कार्तिक आर्यन को मीठा खिलाया है। आपको बता दें चंदू चैंपियन एक बायोग्राफी स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म होने वाली है जिसमें हमें कार्तिक आर्यन के साथ श्रद्धा कपूर लीड रोल में देखने को मिलेंगी और कार्तिक आर्यन की ये फिल्म हमें 14 जून 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार, इसके फर्स्ट लुक टीजर को रिलीज कर दिया गया है और वहीं हीरा मंडी का फर्स्ट लुक टीजर देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो देखना होगा कि संजय लीला भंसाली की ये सीरीज कैसी होती है। आपको बता दें हीरा मंडी एक ड्रामा सीरीज होने वाली है जिसमें हमें मनीषा कोइराला के साथ सोनाक्षी सिन्हा, संजीदा शेख, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा और शर्मिन सेगल जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। और वहीं हीरा मंडी सीरीज में 8 एपिसोड होने वाले हैं जो लगभग 40 से 50 मिनट लंबे होंगे और ये सीरीज हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। अभी तक इसके रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है तो देखना होगा कि संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी ये सीरीज हमें कब तक देखने को मिलती है।
बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर ने अपने रिलीज के सातवें दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ 50 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया है और इसी के साथ फाइटर ने 7 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 140 करोड़ 50 लाख रुपए का नेट कलेक्शन और 168 करोड़ 75 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया है और वहीं फाइटर ने 7 दिनों में ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 72 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और इसी के साथ फाइटर ने 7 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। तो देखना होगा कि ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर का लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। तो जैसे टेररिस्ट की वजह से अगर हम बदतमीजी पे उतर आए तो तुम्हारा हर मोहल्ला आईओपी बन जाएगा। इंडिया ऑक्युपाइड पाकिस्तान। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिल्मों से जुड़ी छोटी मोटी अपडेट जाननी हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।